हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो लास्ट टाइम हमने ऑक्सीडेशन स्टेट तक देख लिया था। ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद शायद हमने रिडक्शन पोटेंशियल और स्टेबिलिटी इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ये सब डिस्कस कर लिए थे। अब नेक्स्ट आता है डिग्लोक एलिमेंट्स का केमिकल रिएक्टिविटी एंड देयर ई स्टैंडर्ड वैल्यूज। तो देखते हैं, आइए कि ई स्टैंडर्ड वैल्यू से रिएक्टिविटी में क्या अंतर आता है, क्या असर पड़ता है। सो रिएक्टिविटी एंड ई स्टैंडर्ड वैल्यूज देखें तो दीज मेटल्स आर सफिशियंटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड डिजॉल्व्स इन मिनरल एसिड्स। जब सभी मेटल लगभग इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, 3D सीरीज की बात कर रहे हैं अभी, पूरे डी ब्लॉक की एलिमेंट की बात कर रहे हैं, एंड ये सभी इलेक्ट्रोपॉजिटिव सफिशियंटली और मिनरल एसिड से रिएक्ट करती हैं, और सभी मेटल आप जानते हैं एसिड्स के साथ हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं, दैट मीन्स दे गेट ऑक्सीडाइज्ड बाय दी एसिड्स। Although few are noble, that is not affected by single acid. पर कुछ ऐसी हैं जो नोबल हैं और सिंगल एसिड से अफेक्ट नहीं होती, सिंगल एसिड उनको डिजोल्व नहीं कर सकता, उनको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब मेटल नोबल हैं जो कि सिंगल एसिड में डिजोल्व नहीं हो सकते। कॉपर का तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, कॉपर एक्सेप्शन है, उसका इलेक्ट्रोपोटेंशियल इतना पॉजिटिव होता है कि वो अपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड या किसी भी एसिड के साथ आसानी से हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करता। दूसरा है मेटल्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एक्सेप्ट कॉपर आर रिलेटिवली मोर रिएक्टिव इवन विद 1 मोलर एच पॉजिटिव सॉल्यूशन। तो सभी फर्स्ट सीरीज की जो मेटल हैं वो सिर्फ कॉपर को छोड़ के रिलेटिवली ज़्यादा रिएक्टिव हैं कॉपर के कंपैरिजन में, इसके साथ इवन 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड या 1 मोलर कोई भी प्रोटॉन का सोर्स है उसके सॉल्यूशन के साथ रिएक्टिव होती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो मैंगनीज 3+ इसका कॉन्फिगरेशन होता है मैंगनीज का 3D4 एंड कोबाल्ट 3+ इसका कॉन्फिगरेशन होता है 3D6। दे आर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट मीन्स दे एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स। वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेंगी और खुद क्या होंगी, रिड्यूस होगी, खुद रिड्यूस होंगी तो वो क्या करेंगी, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगी। तो दैट्स वाई दीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Mn3+ इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगी, लेगी, इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और लेके अपने कॉन्फिगरेशन 3D4 से 3D5 में स्टेबल हो जाएगी। और कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट 3D6 इलेक्ट्रॉन को लेगा तो हायर स्टेबल कॉन्फिगरेशन में पहुंच जाएगा। दूसरा टाइटेनियम 3+ जिसका कॉन्फिगरेशन 3D1 है, वेनेडियम 2+ 3D3 और क्रोमियम 2+ 3D4, दीज आर स्ट्रॉन्गेस्ट या स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, दैट मीन्स दे डोनेट द इलेक्ट्रॉन, सॉल्यूशन में आए इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगी और अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को जो ज़्यादा स्टेबल है उनको अटेंड करेंगी। तो इनको आपको अननेसेसरी रटना है, सिर्फ आपको याद रखना है मैंगनीज कॉपर ये 3+ 3+ दोनों में मैंगनीज और कोबाल्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दैट मीन्स दे अटेन ए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेंगे क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, खुद रिड्यूस होंगे। टाइटेनियम 3+ वेनेडियम 3+ एंड क्रोमियम 2+ टाइटेनियम 3+ वेनेडियम 2+ एंड क्रोमियम 2+ आर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। इसके बाद आगे अपन बात करते हैं उनके मैग्नेटिक बिहेवियर की। तो मैग्नेटिक बिहेवियर आपको पता है, मैग्नेटिक बिहेवियर होता है बेसिकली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनकपल्ड स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है उसके कारण उनका मैग्नेटिक बिहेवियर होता है। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, आपने फिजिक्स में आप जब मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तब आपको इसके बारे में फिजिक्स में डिटेल में बताया जाएगा, अगर आपका ये चैप्टर इस बार पोर्शन आपका रिड्यूस नहीं हुआ होगा तो। बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं और इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है वो दो तरीके से होती है साइमल्टेनियसली, वो मतलब अपन उनको प्लानेटरी मोशन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की मोशन को, मतलब वो रिवॉल्व भी करते हैं और वो स्पिन भी करते हैं। तो स्पिन जब इलेक्ट्रॉन के अनकपल्ड होते हैं, रिवॉल्व वाले इलेक्ट्रॉन से बेसिकली करंट जनरेट होता है, मैं बोल सकता हूँ आपको उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में रिवॉल्व का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कंट्रीब्यूशन है तो उनके स्पिन का। तो जब स्पिन इलेक्ट्रॉन के कपल्ड होते हैं तो दोनों के स्पिन एक दूसरे को वो कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिक मोमेंट स्मॉल m इज इक्वल टू फिजिक्स में NIa, ये आपने पढ़ा होगा, तो इसलिए मैं अभी उसके बारे में फिजिक्स के बारे में बात नहीं कर रहा, तो ये वही मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर इसको म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो स्पिन मोमेंट है, अगर इलेक्ट्रॉन के स्पिन अनकपल्ड होते हैं तो ये स्पिन जो अनकपल्ड है ये इलेक्ट्रॉन उस एटम में एक मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करते हैं और उसी मैग्नेटिक बिहेवियर के कारण सब्सटेंस जो होते हैं वो डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक होते हैं। और कुछ जो स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिज्म दिखाते हैं उनको अपन फेरोमैग्नेटिक भी बोलते हैं।
तो आइए देखते हैं सब्सटेंस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसी होती है। सो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो सब्सटेंस को दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है, एक सब्सटेंस जो डायमैग्नेटिक होते हैं, दूसरे सब्सटेंस जो पैरामैग्नेटिक होते हैं। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर दो सब्सटेंस विच आर रिपेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मीन्स दे हैव अ टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम अ वीक स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड टू सॉरी स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड टू वीकर मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड दे आर रिपेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जाना चाहते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं, तो वो अट्रैक्ट होते हैं तो दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं दे हैव टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम वीकर मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। तो कॉन्फिगरेशन की बात करें तो मैंने आपको बोला देखो वो सब्सटेंस जिनमें इलेक्ट्रॉन के स्पिन अनकपल्ड होते हैं वो सब्सटेंस जनरली पैरामैग्नेटिक होते हैं, और वो अनकपल्ड स्पिन ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पैरामैग्नेटिज्म। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन के सारे स्पिन कपल्ड हो या उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हो ही ना, तब सब्सटेंस क्या होता है? डायमैग्नेटिक। जैसे कोई आयन या एटम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को पजेस करता है, या तो उसमें 3d10 हो, 4s में तो होना ही नहीं है, 4s में या तो 4s में भी हो तो 4s2, पर ऐसा एक ही एलिमेंट है जैसे जिंक, तो 3d10 उसका कॉन्फिगरेशन हो या उसमें 3d में बिल्कुल भी नहीं हो, तो ऐसे सब्सटेंस क्या होंगे? डायमैग्नेटिक होंगे, मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होंगे। जबकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होंगे? ऐसे सब्सटेंस जिनमें 1 से लेकर 9 तक के इलेक्ट्रॉन, हाँ पैरामैग्नेटिज्म का एक्सटेंट उनमें अलग अलग रहेगा बिकॉज दे विल हैव डिफरेंट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो इसलिए पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वही उन्हीं के कारण वो पैरामैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करते हैं। तो 1 to 9 कॉन्फिगरेशन जो भी होगा वो पैरामैग्नेटिज्म होगा। और एक और है, अगर पैरामैग्नेटिज्म बहुत एक्सट्रीम हो, स्ट्रॉन्ग हो, तब सब्सटेंस को हम नया नाम देते हैं, वो होते हैं फेरोमैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर ऑल्सो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बट दे हैव स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिज्म। तो ये पैरामैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक मोमेंट जो आता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, एक टर्म है जिसका हम क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन कर सकते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का, वो है मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट बेसिकली जो कैलकुलेट किया जाता है मैग्नेटिक मोमेंट, वो किया जाता है स्पिन ओनली फार्मूला से। स्पिन ओनली फार्मूला ये बेसिकली फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोनों है, लेकिन केमिस्ट्री में आपको एक लार्ज स्केल पे देता है, या फिजिक्स में आपको लार्ज स्केल पे मिलता है, जबकि केमिस्ट्री में हम एक छोटे से एटम पे कितना मैग्नेटॉन बोहर्स मैग्नेटॉन होगा उसको देखते हैं। तो ये म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं स्पिन ओनली फार्मूला में मैग्नेटिक मोमेंट, और म्यू विल बी इक्वल टू आप देख रहे होंगे √n(n+2)। तो ये n(n+2) का अंडर रूट जो है ये मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए स्पिन ओनली फार्मूला बोलते हैं इसको। इसमें n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या अनकपल्ड इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी उसमें आपको दिया जाए, जैसे किसी का कॉन्फिगरेशन 3d5, तो 3d5 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे 5, तो 5 × 5+2 ये हो गया √35। तो उसमें √35 के बराबर बोहर्स √35 बोहर्स मैग्नेटॉन मैग्नेटिक मोमेंट होगा। किसी का हो गया 3d6, तो 3d6 में आप देख रहे होंगे 4 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 4 + 4+2 तो ये हो जाएगा 4 × 6 = 24 √24। तो इस तरह से √24 बोहर्स मैग्नेटॉन होगा, इस तरह से आपको ये लगता है। लेकिन अगर 3d10 या 3d0 कॉन्फिगरेशन है तो उनका डायमैग्नेटिक मोमेंट होता है 0। तो ऐसे आयन जिनमें 3d10 या 3d0 है वो कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट पजेस नहीं करती। इसके लिए आप टेबल पर गौर कर सकते हैं, अपनी टेबल पर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे, आप देखिए स्कैंडियम, जिसमें स्कैंडियम 3+ आयन, उसमें 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए उसका मैग्नेटिक मोमेंट ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड 0 ही है। बाकी आप जिसमें देखिए, फिर आप जिंक तक आएंगे, जिंक में भी 0 है, तो जिंक का भी मैग्नेटिक मोमेंट 0 है। बाकी सब आयन का जिनमें यह टेबल जो दी, इसमें डिफरेंट मैग्नेटिक मोमेंट दिया है, वो आप टेबल में देख सकते हैं। तो ये बहुत एक वो है प्रॉपर्टी, एक कॉन्फिग्रेशन पता करने के लिए। हमें कैसे पता चला कि इनका कॉन्फिग्रेशन ऐसा होगा? तो वो यही तरीका था, बोहर्स मैग्नेटॉन से हमने पता किया कि फलाने इलेक्ट्रॉन में कॉपर का कॉन्फिग्रेशन 3d9 4s2 ना होते हुए 3d10 4s1 है, ये हमको इसी से पता चला इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से। इसके बाद आगे आते हैं, अगला है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन। तो इसका भी आप एक बार प्रिंसिपल समझ लीजिए कि कलर्ड आयन क्यों होती है, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन। सो ऑलमोस्ट ऑल दी ट्रांजिशन एलिमेंट की जो आयन होती है वो लगभग कलर्ड होती हैं, कुछ कलर्ड नहीं होती, तो अपन देखते हैं ये ऐसा क्यों। तो क्या होता है जब ट्रांजिशन एलिमेंट किसी ऐसे कंपाउंड
बना किसी ऐसे कंपाउंड को बनाते हैं जिनमें जैसे कुछ लिगेंड, लिगेंड आप अगला चैप्टर जो आएगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री उसमें समझ जाएंगे, उस H2O हुआ, अमोनिया हुआ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इनको बोलते हैं। इनके साथ जब कंपाउंड बनाते हैं तो इनके जो डी ऑर्बिटल है जो पहले डी जनरेट हुआ करता था, दैट मीन्स ऑल दी ऑर्बिटल ऑफ डी, ऑल दी फाइव ऑर्बिटल ऑफ डी सब शेल हैव द सेम एनर्जी, सिमिलर वैल्यू ऑफ एनर्जी, दैट इज दिस इज कॉल्ड डी जनरेसी। तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, ऐसे पांच डी ऑर्बिटल होते हैं डी में। तो इन पांचों डी ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो सेम बनी रहती है। अब जो पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है इन द एब्सेंस ऑफ एनी लिगेंड लाइक H2O, मतलब कोई कंपाउंड नहीं बनाया था तब की बात है, लेकिन जब मेटल की एटम या आयन जब कंपाउंड बनाती है तो इनके डी ऑर्बिटल की हो जाती है स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग का मतलब ये है कि कुछ डी ऑर्बिटल एनर्जी के जो पहले वाली एनर्जी थी उसके लेवल से नीचे पहुंच जाते हैं और कुछ डी ऑर्बिटल जो पहले वाली एनर्जी थी उसके एनर्जी से ऊपर पहुंच जाते हैं। दैट मीन्स द ऑर्बिटल विच वेयर डीजनरेट अर्लियर नाउ दे आर नॉट डीजनरेट इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स लाइक वाटर। तो इस तरह से वो डीजनरेसी जब डिस्टर्ब होती है तो इलेक्ट्रॉन जो नीचे लोअर ऑर्बिटल में है, लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, विजिबल रेडिएशन से जो एनर्जी आती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और हायर एनर्जी में पहुंच जाते हैं। और इसी हायर एनर्जी में पहुंचने के बाद वो क्या करते हैं, जब हायर एनर्जी पहुंचेंगे तो उस हायर एनर्जी में पहुंचने के लिए वो एक एनर्जी के अमाउंट को एब्जॉर्ब करते हैं और वो एनर्जी के अमाउंट एक पर्टिकुलर वेवलेंथ से आती है और वो पर्टिकुलर वेवलेंथ आपको मिलती है विजिबल लाइट से। तो उस विजिबल लाइट में वो पर्टिकुलर जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आएगी उसमें वो वेवलेंथ एब्सेंट रहेगी क्योंकि वो उन्हें एब्जॉर्ब कर ली। इसीलिए आपको जो लाइट उस पर जा रही थी वो लाइट वापस नहीं आएगी, उसमें कुछ लाइट का कंपोनेंट एब्सेंट रहेगा और एक कंपोनेंट एब्सेंट है, जैसे रेड कंपोनेंट एब्सेंट हुआ तो सब्सटेंस वॉयलेट दिखेगा या ब्लू दिखेगा, या ब्लू सब्सटेंस एब्सेंट रहा तो आपको वो सब्सटेंस रेड दिखेगा। इसी कारण से डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजिशन मेटल डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फिग्रेशन सॉरी डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखाती है। तो ऐसी ट्रांजिशन मेटल जिनका कॉन्फिग्रेशन 3d10 है या रेडी 0 है इन केस ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज वो कलरलेस रहेंगी। क्योंकि कलरलेस रहने का कारण ये है क्योंकि उनके सारे के सारे ऑर्बिटल में या तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं और है तो फुल्ली ऑक्यूपाइड है, दैट मीन्स दे डू नॉट हैव एनी टेंडेंसी टू ट्रांजिट फ्रॉम दिस लोअर एनर्जी ऑर्बिटल टू हाई एनर्जी। और ऐसे सारे आयन जिनका कॉन्फिगरेशन 3d1 to 9 है वो हमेशा क्या रहेंगे, कलर्ड रहेंगे। तो आप टेबल में देख सकते हैं, मतलब कुल मिला के जिनमें मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो कलर्ड होते हैं, जिनमें नहीं होता वो नहीं होता, क्योंकि इनमें मैग्नेटिक मोमेंट भी नहीं था और इसमें भी इसमें मैग्नेटिक मोमेंट था, तो था तो ये कलर्ड है, नहीं था तो नहीं। तो कलर आप देख सकते हो, कलर के बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं और इसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगले लेक्चर में हम आगे देखेंगे। थैंक यू।